नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल वेजिटेरियन खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो एक सब्जी है जिसे पापड़ की सब्जी कहा जाता है। ये बनाने में बहुत ही आसान है पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। पुराने जमाने में राजस्थान में सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होती थी, इसीलिए जो घर में हमारे पास सामग्री होती थी उसी से सब्जी बना ली जाती थी, जैसे पापड़ है, मंगोड़ी है, बढ़िया है, तो उसी में से ये एक सब्जी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई को गैस में गरम करके इसमें आधी चम्मच घी डाला है। घी जब हमारा हल्का सा पिघल जाएगा तो मैं इसमें जीरा डालूंगी। गैस की फ्लेम को इस टाइम में हम बंद कर देंगे और मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। सबसे पहले नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अगर आपकी दही खट्टी है तो अमचूर डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिंच अमचूर डाल देंगे। थोड़ी कसूरी मेथी के पत्ते हैं जिसको मैं हाथ से क्रश करके डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। की फ्लेम को कम में जला लेंगे और एक टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें लंबे कटे मिर्च के टुकड़े डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ अदरक के टुकड़े डाल दूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आंच को धीमी रखिएगा वरना मसाला सारा जल जाएगा। दो चुटकी में देगी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और अब मैं इसमें आधा कद्दू का किया हुआ टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को हम कुछ सेकंड भूनेंगे। 25 सेकंड के लिए टमाटर को मैंने भुना था। भुनने के बाद टमाटर ने घी छोड़ दिया है, देखिए। अब मैं इसमें एक कटोरा दही का डाल दूंगी। दही अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, नहीं तो दही फट जाएगी। ये देखिए दही में उबाल आ गया। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी और इसको हम करीब 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में उबलने देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी की ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इसे हमें 1 से 2 मिनट और पकाना है। जब तक ये पक रही है तब तक हम ये पापड़ को तोड़कर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े पापड़ और 1 छोटा पापड़ लिया है। इसको हम ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। और इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सारे पापड़ हम ऐसे ही तोड़ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी पापड़ को मैंने तोड़ के टुकड़े बना लिया है। हमारी ग्रेवी भी पककर तैयार है। अब मैं ये पापड़ के टुकड़े ग्रेवी में डाल दूंगी। आपको टुकड़े एक एक करके डालना। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो ग्रेवी में सारे पापड़ जाते ही चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ये देखिए पापड़ डालने के बाद हम सब्जी को कुछ सेकंड पका लेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये राजस्थानी सब्जी बहुत ही बनने में आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए ये सब्जी एकदम पापड़ में उबाल आ गया और सब्जी हमारी बन चुकी है। अब मैं इसमें कुछ हरा धनिया डाल दूंगी। आइए अब हम इसे परोसते हैं। ये देखिए कितनी सुपर डिलीशियस हमारी सब्जी मिनटों में बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी मनपसंद रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये पापड़ की सब्जी कैसी लगी आप अपने कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।